हेलो दोस्तों, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग घटा। तो गाइज, आज का हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अपने एडिटर के विषय में और अपने कोडिंग्स के विषय में। जी हाँ, HTML आपने अगर थंबनेल देखा है तो आपको समझ में आ गया होगा इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं। जी हाँ बिल्कुल, हम यहाँ पे आपको सिखाएंगे सरकारी रिजल्ट का जो पेज है वो आपको कैसे HTML के थ्रू और CSS के थ्रू डिज़ाइन करना है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं HTML पे गूगल पे सर्च कर लेता हूँ सरकारी रिजल्ट का लोगो। तो जनरली आपको मिल जाएगा सरकारी रिजल्ट पे, आप सर्च करोगे। मैंने यहाँ पे एक लोगो के नाम से इस फाइल को डाउनलोड कर लिया, एक लोगो मैंने डाउनलोड कर लिया है। क्यों? क्योंकि मुझे लोगो बनाने में समय लगेगा, इस वजह से मैंने लोगो डाउनलोड कर लिया, आप देख सकते हो। चलिए, मैंने यहाँ पे HTML सिंपल सा लिखा, यहाँ पे मैं हेड बना लेता हूँ और हेड के अंदर टाइटल मैंने दे दिया सरकारी रिजल्ट। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है टाइटल टैग हम क्यों यूज़ करते हैं। चलिए, उसके बाद यहाँ पे हमने बॉडी क्रिएट कर ली। अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ साफ साफ कि वहाँ पे आप देख सकते हो, मैं चाहूँ तो उसको टेबल टैग के थ्रू भी बना सकता हूँ, या फिर आप यहाँ पे एक चीज़ देखने की कोशिश करो, जो इन्होंने इमेज इंसर्ट की है वो आप दिख रही है, आपको प्रॉपर नज़र आ रही होगी, है ना। तो हम टेबल टैग के थ्रू भी कर सकते हैं, या फिर हम चाहें तो डिव टैग ले सकते हैं या फिर पैराग्राफ टैग ले सकते हैं। फिलहाल मैं अभी हेड टैग के अंदर पैराग्राफ टैग ले लेता हूँ, बाद में इसको हम डिव करके भी दिखाएंगे कि एक्चुअल में ये काम क्या करता है। मैं यहाँ पे एक इमेज SRC के थ्रू उस लोगो को इंसर्ट कर देता हूँ, ठीक, .jpg इमेज SRC, है ना, जो हमने लोगो डाउनलोड किया था। चलिए, अब इसका इमेज को हम सेव कर लेते हैं अपने पेज को, इसको ओपन करके देखते हैं। देखिए, हमारी इमेज तो परफेक्टली आ चुकी है। अब आपको करना क्या है, इसके बैकग्राउंड पे मुझे क्या चाहिए, एक कलर चाहिए। तो देखिए, आपको मैं यहाँ पे इनलाइन CSS और दोनों ही बताने वाला हूँ, इनलाइन इंटरनल और एक्सटर्नल। तो चलिए, वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए, अब मैं यहाँ पे करने क्या वाला हूँ, देखिए हमने इमेज तो यहाँ पे इंसर्ट कर ली फाइनली। अब मैं लिख देता हूँ सरकारी रिजल्ट, है ना, सरकारी रिजल्ट, जो ऑलरेडी हमारे पेज में नज़र आ रहा है, मैं आपको एक बार फिर से दिखा दूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने H1 टैग ले लिया ताकि वो हल्का सा बोल्ड टैग हो जाए, यानी हल्का सा हाईलाइट हो जाए। H1 यहाँ पे देख सकते हो सरकारी रिजल्ट, फिर आप नीचे लिखा हुआ है www. ये देखिए, हमारे पास सरकारी रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। आगे कोई नहीं, इसको मैं वापस से अगेन मैं यहाँ पे बी टैग ले लेता हूँ बिकॉज, या फिर फॉन्ट टैग ले लेता हूँ। एक्चुअल में रीज़न क्या हो रहा है, ये जो हमारा कंटेंट है वो नीचे शिफ्ट हो जा रहा है। तो यहाँ पे हेडिंग टैग क्या होती है, बाय डिफ़ॉल्ट एक नए पैराग्राफ को कॉल करती है। तो देखिए, हमारा जो सरकारी रिजल्ट है वो यहाँ पे आ चुका है। चलिए आगे देखते हैं। अब मैं यहाँ पे आगे फिक्स करने वाला हूँ अपने इस सरकारी रिजल्ट को सेंटर में। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा स्टाइल टैग, है ना, स्टाइल टैग, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सबसे पहले यहाँ पर फॉन्ट साइज, मैं यहाँ पर कर देता हूँ 50 pixels, ठीक है। ये देखिए, हमारा जो फॉन्ट का साइज़ है वो एक्यूरेट आ चुका है। उसके बाद मैं यहाँ पर कर लेता हूँ थोड़ा सा इसको नीचे, और यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे एक टैग यूज़ करूँगा NBSP, मतलब नॉन ब्रेकिंग स्पेस। आपको पता है ये क्यों यूज़ किया जाता है, ताकि जो हमारा कंटेंट है वो हल्का सा नीचे शिफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे मैंने NBSP लिया है ताकि जो हमारा जो सरकारी रिजल्ट का जो लोगो आपको नज़र आ रहा है, उस लोगो से हमारा टेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाए सेंटर की तरफ। तो यहाँ पे मैं कोई सेंटर टैग लाइन नहीं कर रहा हूँ, मैं CSS यूज़ नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने NBSP के थ्रू पेज को हल्का सा, इन्हें जो हमारा सरकारी रिजल्ट लिखा हुआ है उसको मैंने यहाँ से कर दिया शिफ्ट, क्लियर है। फिर मैं यहाँ पे BR टैग लगाऊंगा, अगेन वापस से मैं यहाँ पे एक और टैग ले लेता हूँ। मैंने भी फॉन्ट टैग को चाहो तो क्लोज़ कर दो, या फिर कोई इशू नहीं, www.sarkaririzult.com, जो कि वहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ था ना, sarkaririzult.co.in लिख देता हूँ मैं .com, और इसमें यहाँ से पी टैग को, सॉरी, मैंने फॉन्ट टैग को कर दिया है क्लोज़, और ये जो एक्स्ट्रा यहाँ पे एक और फॉन्ट टैग ले लेते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई डाउट नज़र नहीं आ रहा होगा, इसको हम कर लेते हैं सेव और कर लेते हैं इसको यहाँ से अपने आप पे ब्राउज़र पे आके रिफ़्रेश। तो आप देख सकते हो हमारा जो पेज है वापस आ चुका है। देखिए, अब यहाँ इसको वापस सेंटर अलाइन करना है, तो वही सेम प्रोसीजर NBSP जो हमने यहाँ पे ऊपर टाइप किया, इसको मैं कर लेता हूँ फटाफट कॉपी, Ctrl+C एंड Ctrl+V। तो यहाँ पे जो BR टैग है, इसके बाद से मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो अब इसको सेव करके मैं रिफ़्रेश करता हूँ, देखिए आ चुका है सेंटर में, लेकिन अभी भी प्रॉपर नहीं आया, तो इसको मैं और फिक्स कर लूँगा फटाफट, और कॉपी कर लेता हूँ। देखिए, अभी भी सेंटर में प्रॉपर नहीं आया, थोड़ा सा और लिख देते हैं। NBSP को मैं कॉपी कर लेता हूँ, सेव किया, देखिए ज़्यादा हो गया, तो उसको मैं कर लेता हूँ यहाँ से थोड़ा सा कम, मैंने यहाँ से कर दिया इसको कम। अब सेव करके रिफ़्रेश करते हैं, देखिए अभी भी सेंटर में नहीं आया, थोड़ा सा और चाहिए मुझे, तो मैं फटाफट इसको सेंटर अलाइन कर लूँगा, ठीक है। तो पेशेंस बना के रखिए, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पूरा वीडियो शुरू से लेके एंड तक पूरा हिंदी में इसका ट्यूटोरियल है, आपको सारी चीज़ें क्लियर करता जाऊंगा, एक एक पॉइंट आपको क्लियर करूंगा। तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक पूरा देखिएगा, क्योंकि आपके साथ प्रॉब्लम क्या होती है, जब आप बिगनर्स होते हैं, काम कर रहे होते हैं, तो आपको समझ नहीं आ रहा होता हमें करना क्या है। तो यहाँ पर एक एक पॉइंट को डिटेल में बताने की कोशिश की गई है, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए, अभी देखिए हमारा जो लुक है वो लगभग स्टार्टिंग का जो लुक है वो लगभग बन के आ चुका है, ठीक है।
अब यहाँ पे पी टैग के अंदर आके हम यहाँ पे स्टाइल लगा देंगे और बैकग्राउंड कलर यहाँ पे देखिए ऑरेंज है, तो मैं यहाँ पे ऑरेंज या फिर रेड है तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ रेड कलर, है ना, डार्क रेड कर देता हूँ ताकि वो कलर को एज्यूम कर ले। यहाँ पे कर लेता हूँ रिफ्रेश, तो आप देख सकते हो कि मोस्टली जो हमारा लेआउट है वो लगभग हमारी कहीं ना कहीं बनना शुरू हो गई है। ठीक, अभी यहाँ पर टेक्स्ट का जो कलर था वो वाइट कलर था, तो अभी मुझे टेक्स्ट के कलर को वाइट करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमने यहाँ पे एक फॉन्ट टैग यूज़ किया था, है ना, तो यहीं पे मैं लगा देता हूँ कलर इज इक्वल टू वाइट। तो ये चीज़ को मैं कॉपी कर लेता हूँ बिकॉज मैंने दो फॉन्ट यहाँ पे यूज़ किए थे और ये सेकंड वाला फॉन्ट ये रहा हमारा जहाँ पे www.sarkari.result मैंने लिखा ना, यहाँ पे भी मैं कर देता हूँ उसको पेस्ट सिंपल सा। चलिए रिफ्रेश कर देता हूँ, तो आप देख सकते हो कि हमारे जो सरकारी रिजल्ट का आउटलुक है यानी ऊपर का जो लेयर है वो ऑलमोस्ट धीरे धीरे बनना शुरू हो गया है। अभी मुझे यहाँ पे नेविगेशन बार बनाना है, होम, लेटेस्ट जॉब, रिजल्ट, एडमिट कार्ड, आंसर की, सिलेबस, सर्च एंड कॉन्टैक्ट अस। चलिए हम इसे बना लेते हैं, तो मैं आऊँगा सिंपल से टेबल टैग के अंदर, ठीक है, या फिर मैं अगर टेबल टैग ना भी यूज़ करूँ तो मैं यहाँ पर नेव टैग यूज़ करूँगा। पहला टैग यहाँ पर मैं बना लेता हूँ फटाफट होम का है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ होम, फटाफट मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ऐसे ही, यहाँ पे मैं बचे हुए सारे टैग्स फटाफट यहाँ पे लिख लूँगा। देखिए मैं फटाफट लिख देता हूँ सर्च कॉन्टैक्ट अस, फटाफट मैं जल्दी लिख लेता हूँ यहाँ पे, देखिए लास्ट है कॉन्टैक्ट अस, मैंने लिख लिया। रिफ्रेश कर दिया, देखिए हमारा जो कंटेंट है वो आ चुका है हमारे पास। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, नेव वाले सेक्शन के अंदर जाऊँगा, यहाँ पर लगाऊंगा स्टाइल टैग, यहाँ लिखूँगा बैकग्राउंड कलर। जी हाँ, बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ पर कर दिया ब्लैक, क्योंकि ब्लैक है और टेक्स्ट का कलर आपको पता है वाइट है, तो मैंने यहाँ पे कलर इज इक्वल टू कर दिया वाइट और कर देता हूँ सेव कंट्रोल है, सो मैं कर देता हूँ रिफ्रेश। यहाँ पे देख सकते हो आपका जो सेक्शन है वो आ चुका है। अभी मैं यहाँ पे फॉन्ट के साइज को थोड़ा बढ़ा दूँ, लेकिन इनके बीच में देख सकते हो आप स्पेस आ रहा है। अभी इस स्पेस को ख़त्म कैसे करोगे, बिकॉज हमने वहाँ पर पी टैग लिया था हेड सेक्शन में, अगर मैं उसको डिव कर दूँ तो ऑटोमेटिकली हमारा जो स्पेस है ये ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले लिखता हूँ मैं फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज में कर देता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा 50 पिक्सल, ताकि जो हमारा रेशियो है वो थोड़ा सा एडजस्ट हो जाए। देखिए 50 पिक्सल यहाँ पर ज़्यादा हो गया है, मैं कर लेता हूँ उसको मैं 40 पिक्सल, एक बार सेव करता हूँ, देखिए एकदम एडजस्ट यानी कम्प्लीटली जो हमारा कंटेंट है एकदम फिक्स हो चुका है। चलिए अब मैं ऊपर वाला जो कंटेंट है हमारा जो बार बार डिस्टर्ब कर रहा है इसको भी हम फिक्स कर लेते हैं। जहाँ पे हमने पी टैग लिख रखा है इसको हम कर देते हैं यहाँ पे डिव टैग। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए जो हमारा कंटेंट है ऊपर के रेड वाला सेक्शन और ब्लैक वाला सेक्शन आपस में क्या है, कम्प्लीटली फिक्स है। चलिए इसको बनाने से पहले मैं चलता हूँ अपने पी टैग के अंदर, पी टैग के अंदर मैंने अपने कंटेंट को कॉपी कर लिया जो सरकारी रिजल्ट पे आपको यहाँ पे एज इट इज़ दिख रहा है और कर लेता हूँ मैं यहाँ से रिफ्रेश। तो यहाँ पे देखिए जो आपको कंटेंट नज़र आ रहा था मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया, इसको मैं कर देता हूँ स्टाइल, यहाँ पे कर देता हूँ स्टाइल इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे कर देता हूँ टेक्स्ट अलाइन कर देता हूँ, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया, हमारा कंटेंट सेंटर पे आ गया है। अभी आपको पता है कि मुझे इसके कलर को चेंज करना है यानी ब्लू करना है कलर, आपको पता है, तो मैं इसके कलर को भी ब्लू कर दूंगा। साथ ही इसका देखिए यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं है यानी कलर तो बाय डिफ़ॉल्ट ऊपर वाले कंटेंट का ब्लैक है, मैं उसको एज इट इज़ ऐसा ही छोड़ देता हूँ, कोई इशू नहीं है। मैं अगला यहाँ से पी टैग, एक और पी टैग ले लेता हूँ, ठीक है, मैंने पी टैग ले लिया, इसके अंदर जो हमारा कंटेंट था मैंने उसको भी कॉपी कर लिया है, ठीक है, और यहाँ पर मैं कर लेता हूँ उसके जस्ट अ मिनट, यहाँ पे मैंने लगा दिया एक एंकर टैग यानी HREF टैग, बिकॉज क्यों, क्योंकि ताकि यहाँ पे हम कोई भी काम करें तो क्लिक करें तो वो काम करे। HREF हैज़ का मतलब होता है नल टैग, है ना, यानी अभी हमारे पास कोई भी लिंक अवेलेबल नहीं है, तो सबके आगे यहाँ पे मैं एंकर टैग को यहाँ पे ओपन कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पैनल्स हैं, तो मैं सबको पहले यहाँ पे एंकर टैग को क्लोज कर देता हूँ और फिर सब जगह पे एंकर टैग को यहाँ पे ऑन कर लेता हूँ। एंकर टैग यानी HREF आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, मैं इसको कर लेता हूँ फटाफट यहाँ से कॉपी और यहाँ पे जहाँ पे मुझे चाहिए वहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ जहाँ जहाँ मुझे एंकर टैग लगाना है। चलिए यहाँ पे मैं सरकारी रिजल्ट के आगे भी यहाँ पे एंकर टैग लगा देता हूँ, फॉलो इंस्टाग्राम के आगे लगा देता हूँ, यहाँ पे हमने कर लिया, पेज को सेव कर लेते हैं रिफ्रेश। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा एंकर टैग काम कर गया है और ब्लू कलर की लाइन में आ गया, इसको मैं कर लेता हूँ पहले सेंटर अलाइन, यहाँ पे सिंपल सा स्टाइल इज इक्वल टू टेक्स्ट अलाइन इज इक्वल टू, यहाँ पे कर लूँगा मैं सेंटर। यहाँ पे देखिए स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी अलाइन की, एक मिनट, ALIGN, है ना, ओके ठीक, कर लेता हूँ सेव, कर लेता हूँ रेफरेंस, देखिए सेंटर अलाइन हो चुका है। अब यहाँ पे एक आपको टैग बताया गया था बहुत पहले, मार्क्यू टैग, यहाँ पे मैं मार्क्यू टैग का यूज़ करने वाला हूँ। मार्क्यू का मतलब होता है मोमेंट ऑफ द कंटेंट, है ना, तो इस टैग को मैं कर लेता हूँ क्या देते हैं मार्क्यू टैग के अंदर, इसको मैं फिक्स कर लेता हूँ और इसी टैग को मैं बार बार कॉपी पेस्ट कर लूँगा, क्योंकि मैं बार बार बनाने वाला नहीं हूँ, आपको समझाने के पर्पज़ से खाली मैं ये बता रहा हूँ। यहाँ पर मैंने लगा दिया मार्क्यू, MARQUE मार्क्यू टैग, है ना, और यहाँ से कर देते हैं मार्क्यू टैग को क्लोज, कोई डाउट तो होगा नहीं यहाँ तक, है ना, कर लेते हैं इसको सेव। सेव करने के बाद जैसे हम रिफ्रेश करेंगे आपको दिख जाएगा इसका आउटपुट।
तो फाइनली हमारा देखिए नीचे यहाँ पे मार्क्यू टैग लगा हुआ है जो हमारा कंटेंट मूव कर रहा है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्शन कर देता हूँ, सबसे पहले वन साइड की डायरेक्शन कर दूंगा यहाँ पे मैं लेफ्ट, और दूसरी डायरेक्शन यहाँ पे एक बिहेवियर में कर देता हूँ अल्टरनेट, बिकॉज आप देख रहे हो हमारा जो कंटेंट है वो लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट बार बार मूव कर रहे हैं ना, तो मुझे ये करने के लिए बिहेवियर यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। चलिए मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा सेकंड लाइन है जो मैंने यहाँ पे एक्चुअली कोई नहीं, मैं भी आपको बता दूँ प्रॉब्लम क्या हो गई है, मैंने थर्ड वाली लाइन में ये कंटेंट मूव कर दिया है, इसको मुझे दूसरी लाइन में भी कॉपी एंड पेस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं स्क्रॉल अमाउंट लगा दूंगा, इससे क्या हो जाएगा कि हमारे जो कंटेंट है, हमारा जो पेज है, उसकी स्पीड काफी हद तक बढ़ जाएगी। तो चलिए यहाँ पे मैं स्क्रॉल अमाउंट लगा देता हूँ, देखिए बहुत ज्यादा हो गई स्पीड हमारी, इतनी नहीं चाहिए मुझे, मैं यहाँ से कर लेता हूँ और कम 20, अभी ठीक लग रही है लेकिन अभी भी ज्यादा है, मैं इसको और कम कर लेता हूँ, कर देता हूँ यहाँ से 10, सेव कर लेता हूँ। देखिए अभी प्रॉपर परफेक्ट नज़र आ रही है और आपको कंटेंट भी नज़र आ रहा है ना, यानी स्क्रॉल अमाउंट हमारा ठीक ठाक हो गया। अब मैं इसको, इस पेज को यहाँ से मैं सेव कर लूँगा, उसी तरीके से मैं सारे यहाँ पे बार बार कट पेस्ट यानी कॉपी पेस्ट करके मैंने कर लिया, खाली डायरेक्शंस को कर दिया मैंने चेंज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा ये कंटेंट आ चुका है, ठीक है, मैंने यहाँ पे खाली सिंपल से कॉपी पेस्ट कर दिया बार बार उसी कोड को, ठीक है। चलिए अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जहाँ पे मैंने पी टैग लगाया था स्टार्टिंग बताया था पी टैग, अगर मैं पी टैग को यहाँ पे डिव टैग करके रिफ्रेश कर दूँ, देखिए हमारा जो ऊपर वाला जो स्पेस है वो खत्म हो गया। ये चीज़ मैंने आपको पहले समझाया था, मैंने कहा था अभी मैं पी टैग यूज़ कर रहा हूँ और डिव टैग और पी टैग में क्या अंतर होता है, तो अभी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा प्रॉपरली। चलिए अब हम नीचे की तरफ मूव करते हैं, अभी देखिए हमारा जो बीच वाला सेक्शन है ये जो मैंने बना रखा है, ये नॉर्मल हमने क्या किया है, यहाँ पे मैं आपको कोड दिखा देता हूँ सिंपल सा, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, नॉर्मल से एक टीडी ले लिया, बैकग्राउंड कलर दे दिया बिहार यूपी, जो भी आपको करना है कर लीजिए। मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग एक और ले ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे इसके अंदर कुछ कंटेंट बनाना है, पहले इसको मैं सेंटर कर दूंगा ताकि हमारा जो कंटेंट है वो सेंटर में फिक्स हो जाए। चलिए मैंने यहाँ पे सेंटर अलाइन कर दिया, ठीक है, उसके बाद अभी मुझे यहाँ पे दिखाना क्या है वो भी मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ सरकारी, ठीक है, रिजल्ट और सरकारी रिजल्ट यूट्यूब, ठीक है, इसको मैं यहाँ से स्टाइल लगा दूंगा और यहाँ से मैं कर देता हूँ कलर इज इक्वल टू वाइट, है ना, सॉरी करली जो इन्वर्टेड कॉमा है इसके अंदर ही आप प्रॉपर्टी लगाएंगे। बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ यहाँ से मैं ब्लू, ठीक है, और कर लेता हूँ उसको सेव। देखिए अब इसको कर लेता हूँ मैं सेव, सेव करने के बाद कर दूंगा मैं इसको सेंटर। यहाँ से मैंने इसको बी टैग के अंदर कन्वर्ट कर दिया ताकि ये थोड़ा सा बोल्ड दिखाई दे, बस इसे मैंने यहाँ इसके अंदर बी टैग ले लिया है, ठीक। और इसके बाद मैं यहाँ से कर देता हूँ एक यू टैग ले लेता हूँ मैं ताकि हमारा कंटेंट नीचे एक अंडरलाइन आ जाए। चलिए यहाँ से मैंने यू टैग को भी कॉल कर लिया, सेव कर लेते हैं, यहाँ से कर लेते हैं रिफ्रेश। यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा सरकारी रिजल्ट यूट्यूब है वो आ चुका है, बट इस इमेज की यानी जो कंटेंट है इसकी विथ यानी जो कलर बैकग्राउंड कलर की विथ है वो बहुत ज़्यादा है, तो मुझे इसकी विथ को फिक्स करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल सी आपकी प्रॉपर्टी है विथ प्रॉपर्टी, है ना, आपको जैसे कि बहुत अच्छे से पता है विथ प्रॉपर्टी काम कैसे करती है। चलिए मैं यहाँ पे देता हूँ विथ 17, सॉरी मैंने नीचे विथ दे दी, एक मिनट, इस विथ को भी मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है। मुझे यहाँ पे विथ फिक्स करनी है ऊपर वाली लाइन में, है ना, जहाँ पे हमने लिखा है सरकारी रिजल्ट यूट्यूब, यहाँ पे मैं आ गया, यहाँ पे प्रॉपर्टी दे दी मैंने विथ WIDTH विथ इज इक्वल टू 15%, सेव कर लिया और रिफ्रेश कर दिया। देखिए आपका जो कंटेंट है वो एटलीस्ट आ चुका है, ठीक है। सिमिलरली ऊपर वाले में हमने क्या किया, खाली रेडियस को कॉल कर लिया है, तो रेडियस से क्या हो गया, हमारा जो बॉर्डर रेडियस है वो हल्का सा सर्कुलर वे में चला गया है। चलिए अब इसके नीचे की ये चार पॉपअप यानी चार आठ पॉपअप्स हमें बनाने हैं, चलिए बना लेते हैं। अब हमें करना क्या है, सिंपल सा मैं यहाँ पे देखिए करने क्या वाला हूँ, मैंने एक टेबल टैग ले लिया है, टेबल टैग से मैंने चार टीडी ले लिए है ना, यानी एक टीआर के अंदर चार टीडी। चलिए मैं सबका कंटेंट मैं सेम रख देता हूँ या फिर चलिए मैं कुछ ना कुछ चेंजेस कर देता हूँ, फिलहाल मैंने नॉर्मल सा वही रख दिया है। बैकग्राउंड देखिए टीडी कलर स्टाइल इज इक्वल टू बैकग्राउंड कलर ग्रीन येलो व्हाइट कलर कंटेंट रख दिया, सुपर टैग सब टैग मैंने कुछ भी ऐसे रैंडमली लिख दिया, मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, ठीक है। मैं कंटेंट यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, ICSE बोर्ड, ठीक है। तो देखिए सब में मैंने सेम चीज़ को कॉपी कर लिया है, खाली बैकग्राउंड कलर और कलर यूज़ किया है। तो सिमिलरली मैं सब में फटाफट यहाँ से कर देता हूँ चेंज और यहाँ पे कुछ और कर देता हूँ, बिहार की जगह पे मैं रख देता हूँ CSE बोर्ड, है ना, 2022। चलिए सेव कर लेते हैं, कंटेंट मैंने रैंडमली मान लीजिए मैंने सेलेक्ट कर लिया। अभी देखिए बैकग्राउंड कलर सब में ग्रीन आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि सबका बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ पे ग्रीन ले रखा है, पहला ग्रीन है दूसरा ब्लू है फिर ऑरेंज है। मैं फटाफट यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ, ग्रीन यहाँ से कर लेता हूँ, मेरा सेकंड हमारा था ब्लू, ठीक है, ब्लू कर दिया, थर्ड हमारे पास था ऑरेंज, मैं फटाफट लग लेता हूँ ऑरेंज, ठीक है। लास्ट हमारे पास क्या था, एक बार चेक करना पड़ेगा, लास्ट हमारे पास था
ब्राउन शायद, चलिए एक बार सेव, हाँ ब्राउन, चलिए इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं अपने पेज को। देखिए हमारा जो कंटेंट, हमारी जो बॉडी है वो ऑलमोस्ट आ चुकी है। अब देखिए इसके मुझे हाइट, विथ और इसकी बॉडी, इसके कंटेंट को मैं फिक्स करना है, उसके साइज़ को फिक्स करना है। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी मैं यूज़ करने वाला हूँ, सिंपल सी प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा, जैसे कि फॉन्ट साइज़, फॉन्ट वेट, आपने बहुत सारी प्रॉपर्टी आपको पढ़ी होंगी, तो मैं वही प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। तो गाइस यहाँ तक तो कोई डाउट अगर रहा हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप पूछ सकते हो, विदिन 24 आवर के अंदर आपको रिप्लाई किया जाएगा। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ फॉन्ट साइज इज इक्वल टू 50 पिक्सल, यानी फॉन्ट का जो साइज़ है वो 50 पिक्सल के अकॉर्डिंग आ जाए। देखिए अब ये कंटेंट में थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो रहा है, 35 पिक्सल कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। देखिए अभी परफेक्ट लग रहा है। चलिए इस कंटेंट को, ये जो इस प्रॉपर्टी को मैं सारे TD में कर लूँगा वापस से कॉपी, यानी जो भी कंटेंट यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया है इसको मैं कर लेता हूँ TD के अंदर कॉपी। चलिए ये जो फॉन्ट साइज है इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ से कॉपी, और सारे TD प्रॉपर्टी के अंदर मैं एक बार पेस्ट कर दूंगा, ठीक है, सब में लगा दूंगा, क्योंकि मैं सब में सेम जो प्रॉपर्टी है वो सब में सेम यानी इक्वल चाहिए। तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर लूँगा और कर दूंगा सेव एंड रिफ्रेश। देखिए आप सकते हो हमारा पेज जो है, कंटेंट है, पेज की बॉडी है वो ऑलमोस्ट आ चुकी है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं मिसिंग है, वो प्रॉपर एक्यूरेट पेज नहीं आ रहा है। मैं 35 को कुछ और चेंज कर लेता हूँ, एक बार देखता हूँ मैं कुछ और करके, या फिर मैं इस सारे TD को सेंटर अलाइन करके देखता हूँ। एक बार मैं यहाँ पे NBSP लगा देता हूँ सबके आगे, NBSP 4-5 NBSP लगा दिया, शिफ्ट कर दिया अपने पेज को थोड़ा सा नीचे, ठीक है। उसके बाद अब मैं करने क्या वाला हूँ, सेव करके रिफ्रेश करता हूँ अभी, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो कोई डाउट नज़र नहीं आ रहा आप लोगों को, ठीक है। इसके आगे देखिए हमें करना क्या है, तो जो NBSP हम आप यहाँ यूज़ कर रहे थे, या फिर हम इसकी जगह BR टैग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं सिंपल सा, ठीक है। तो देखिए अब जो हमारा कंटेंट है, मैं चाहता हूँ कंटेंट के आगे थोड़ा सा स्पेस आ जाए, यानी कंटेंट से पहले अगर मैं रिफ्रेश करूँगा तो देखिए कंटेंट के आगे स्पेस आ गया। मैं सारे कंटेंट के आगे NBSP लगा दूँगा, यानी नॉन ब्रेकिंग स्पेस ऑलरेडी मैं पहले ही डिफाइन कर चुका हूँ आप लोगों से, और कर लेता हूँ यहाँ से सेव और रिफ्रेश। आप देख सकते हो हमारा जो पेज है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे पूरे फुल पेज पे फिक्स हो चुकी है हमारी बॉडी, ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। अब देखिए जो पूरा TR है, इस पूरे TR को मैं कर लेता हूँ कॉपी, क्योंकि यहाँ पे दो सेक्शन थे, TR को कर लिया कॉपी, देन यहाँ पे पेस्ट। अब सबका बैकग्राउंड कलर में रैंडमली आप कुछ भी रख लीजिए, मैं बैकग्राउंड रेड, ग्रीन, पिंक और ब्लू, चलिए मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेता हूँ फटाफट सब में। तो यहाँ पे मैंने पूरे कोड को कॉपी कर लिया सिंपल सा, वही पूरा कंटेंट बना लिया है, उसको सेव करके रिफ्रेश करेंगे हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। अब हम यहाँ से बनाने वाले हैं अपनी ऑर्डर लिस्ट, यानी जैसे कि आप देख सकते हो हमारे पास जो कंटेंट है जहाँ पे लिखा होता है रिजल्ट, एडमिट कार्ड, ये देखिए हमारा सेक्शन आ चुका है। अब नीचे के सेक्शन को हम बना लेते हैं फटाफट, यहाँ लिखा हुआ है रिजल्ट, एडमिट कार्ड, लेटेस्ट जॉब एंड लास्ट, है ना, ये तीन कंटेंट हमारे पास दे रखे हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इसको टेबल टैग से बनाने की पूरी कोशिश करूँगा, कि मैं टेबल टैग बनाऊँगा। एक TR के अंदर 3 TD हैं, आपको यहाँ पे नॉर्मली सिंपल सा आपको दिखाई दे रहा है, यानी एक TR के अंदर 3 TD का इस्तेमाल किया गया है, और इन TD के अंदर आपने देखा ULLI यानी अनऑर्डर लिस्ट आइटम को यूज़ किया गया है, तो मैं भी वही यूज़ करने वाला हूँ। चलिए फटाफट यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो अब ये जो कंटेंट आपको नज़र आ रहा है, आप ढंग से देखने की कोशिश करोगे, एक TR के अंदर 3 TD हैं। TD फर्स्ट, यानी पहले तो हेडिंग है, इसलिए उसको हम TH से कॉल करते हैं। TH का मतलब होता है टेबल हेडिंग, यानी उस टेबल की हेडिंग क्या होने वाली है। सेकंड है आपके पास एडमिट कार्ड, ये भी आपका TH है। उसके बाद लेटेस्ट जॉब, अगर आप TH की जगह TD कॉल करोगे तब भी गलत नहीं है, बट एक प्रॉपर मैनर ये कहता है कि आपको जब हेडिंग की ज़रूरत पड़े तो आपको क्या यूज़ करना है, TH यानी टेबल ऑफ हेडिंग, क्लियर है। तो चलिए फटाफट हम यहाँ पर कर लेते हैं इसको यूज़। तो सिंपल सा, जैसे कि आप देख सकते हो हमको लेआउट समझ में आ गई है। एक्चुअल में सबसे पहले प्रोग्राम करने से पहले आपको ये समझना है, ये सोचना है कि जो कंटेंट है यानी जो थीम है वो आपके मन में होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए कोड बहुत आसानी से क्रिएट कर पाओगे। तो हमारी थीम हमको समझ में आ गई है, तो सबसे पहले इसको हम कर लेते हैं क्रिएट। TH के अंदर आने के बाद सेम प्रॉपर्टी जो हमने लगाई थी बैग, या फिर मैं इसको इंटरनल CSS के थ्रू बना लेता हूँ, इनलाइन है ना, इंटरनल CSS के थ्रू, क्यों, ताकि मुझे कोड कम लिखना पड़ेगा। मैंने स्टाइल टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट CSS दे दिया और स्टाइल को क्लोज कर दिया। अब मैं यहाँ पर TH के अंदर प्रॉपर्टी लगा दूंगा, मुझे क्या चाहिए, बैकग्राउंड कलर सबका सेम चाहिए, आपने देखा था मुझे क्या चाहिए, बैकग्राउंड कलर सबका सेम चाहिए। तो सबसे पहले पे बॉर्डर लगा दूंगा, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ग्रे या फिर रेड कलर, जो भी मुझे बॉर्डर चाहिए वो यहां पे मैं फिक्स कर दूंगा। उसके बाद हम यहां पे बैकग्राउंड कलर दे देते हैं रेड या फिर ग्रे, जो भी आपको, मैं कंटेंट कलर कर देता हूं व्हाइट, इसको कर लेता हूं रिफ्रेश। देखिए तीनों का कंटेंट हमारे पास ऑलमोस्ट आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे अगली प्रॉपर्टी क्या लगानी है, जो हमारा कंटेंट है यानी जो हमारा पेज है उस पेज को हम फिक्स करेंगे यहाँ पे इनके विथ के हिसाब से। विथ इज इक्वल टू हमने दे दिया यहाँ पे, मान लीजिए
33 पिक्सल, या फिर जैसे कि आपको देना है 30% भी दे सकते हो, यानी 30 30 30, यानी 90 का कॉलम बन जाएगा। 33 फिलहाल मैं दे देता हूँ 33%, और सेव कर देता हूँ, रिफ्रेश कर लेता हूँ। देखिए 33% के अकॉर्डिंग हमारा कंटेंट आ चुका है। अब ये नीचे शिफ्ट क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि जब इसके अंदर हम कंटेंट को मूव कराएंगे तब जाके हमारा कंटेंट यहाँ से क्या होना शुरू होगा, शिफ्ट होना शुरू होगा। चलिए हम यहाँ पर TR ले लेते हैं, सेकंड TR के अंदर देखिए पहला TH था, है ना, यानी 3 TD थे एक्चुअल में। कितने TD थे? 3। तो पहले टेबल का हम यहाँ पे बॉर्डर फिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे लगा दिया टेबल स्टाइल बॉर्डर इज इक्वल टू, यहाँ पे दे देते हैं 1 पिक्सल सॉलिड रेड कर देते हैं, क्योंकि रेड मैं लेके चल रहा हूँ तो मैं रेड कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे बॉर्डर आ चुका है, ठीक है। अब हम आगे क्या करेंगे, इसके अंदर का जो कंटेंट है यानी ULLI यानी लेस्ट आइटम, वो हम बना लेते हैं। पहले TR के अंदर पहला TD लिया, और पहले TD के अंदर हम आने के बाद देखिए मुझे TD की वैसे तो एक ही ज़रूरत है, बार बार TD मुझे चाहिए नहीं, है ना। तो ये सेकंड मुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ पे सबसे पहले HREF को कॉल किया। क्यों कॉल किया, यहाँ पे देख सकते हो ये जितने भी ऑप्शन दिख रहे हैं ये सारे लिंक टैग है, आप क्लिक करते हो तो ये लिंक काम करता है, यानी लिंक एक्टिवेशन काम करता है। तो यहाँ पे मैं कंटेंट लिख देता हूँ फटाफट, ठीक है। तो जो हमें कंटेंट है, मैंने यहाँ पे UL लगाऊंगा, UL के अंदर LI लिखूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे ये कि लिस्ट आइटम के तौर पर चीज़ें चाहिए, ठीक। तो अब इसी को मैं बार बार कंटेंट को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। मैंने यहाँ पे 3 कॉपी पेस्ट कर लिया, आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि हमारे पास 3 TD थे और हर TD के अंदर मैंने एक एक डेटा डाल दिया है, ठीक। यहाँ पे देख सकते हो 3 TD हैं, तीनों TD में हमने एक एक डेटा यहाँ पे सिंपल सा इंसर्ट कर दिया है। अब देखिए सेकंड वाले को भी हम कॉपी कर लेते हैं थोड़ा सा समझाने के लिए, थर्ड वाले को भी कर लेते हैं, वैसे बहुत टाइम लगने वाला है कॉपी पेस्ट में, तो मैं फिलहाल कॉपी पेस्ट नहीं करूँगा, मैं इसी को कॉपी पेस्ट करके यानी अपने कोड को ही कॉपी पेस्ट करके आपको दिखा दूंगा। चलिए मैं यहाँ पर रिफ्रेश कर लेता हूँ। आप देख सकते हो नीचे स्क्रॉल करके हमारा जो डेटा है, हमारी जो टेबल है, वो आना शुरू हो गई है। अब मैं क्या करूँगा, पूरे के पूरे TR सेक्शन को, जो हमारा TR सेक्शन पूरा नज़र आ रहा है, इस पूरे TR को ही अगर मैं कॉपी कर लूँ तो हमारा काम आसान हो जाएगा, है ना। तो मैं यहाँ पर TR पूरा जो सेक्शन आपको नज़र आ रहा है, पूरे TR के कोड को मैं कर लेता हूँ सिंपल सा कॉपी आपको समझाने के लिए। लेकिन आप जब क्रिएट करिएगा अपने एंड से, तो पूरी कोशिश करिएगा जितना भी अच्छा आप बना सकते हो बना लीजिएगा, और जो भी आपके डाउट्स हो, जो भी आपको समझ ना आ रहा हो, वो चीज़ें आप हमसे पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आपकी जो भी डाउट्स होंगे विद इन 24 आवर के अंदर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की हमारी तरफ से पूरी कोशिश की जाएगी। चलिए फिलहाल हम फटाफट यहाँ पे कर लेते हैं कॉपी पेस्ट और इसको कर लेते हैं सेव। सेव करने के बाद यहाँ पे मैं TD को यहाँ पे एक बॉर्डर दे दूंगा, ठीक है। TD के अंदर मुझे बॉर्डर अप्लाई करूंगा, तो थोड़ा सा देखते हैं बॉर्डर अप्लाई करके क्या होता है। फिलहाल मैं यहाँ पे एक बॉर्डर अप्लाई करके देखता हूँ सॉलिड रेड, तो देखिए ये गंदा लग रहा है। फिलहाल मैं अभी बॉर्डर को हटाने वाला हूँ, तो मुझे बॉर्डर समझ नहीं आया, मैंने बॉर्डर को हटा दिया, ठीक। लेकिन अभी ये चीज़ सेंटर अलाइन नहीं हो रही है, तो सेंटर अलाइन मैं कैसे करूँगा वो भी मुझे देखना है, वो भी ध्यान देना है। इस प्रॉपर्टी को मैं हटा देता हूँ, ठीक है। मुझे करना क्या है, इसको सेंटर अलाइन करना है फिलहाल अभी, तो ये सेंटर अलाइन होगा कैसे, या तो मैं अपने सारे TD को, यानी हमारा जो TR सेक्शन है उसके अंदर जो TD एक्चुअल में कॉल किए जा रहे हैं, सारे TD को मैं सेंटर अलाइन कर दूं, या फिर इनकी हाइट विथ को मैं बढ़ा दूं, तभी ये सेंटर अलाइन हो पाएंगे। तो देखते हैं मैं क्या कर सकता हूं उसके लिए, ट्राई करते हैं यहां से, इसको हम ट्राई करते हैं सेंटर अलाइन करने के लिए एक बार, देखते हैं। कंटेंट इज इक्वल टू सेंटर लाइन, और इसकी बॉडी यानी इसकी विथ है, विथ को हमने कर दिया यहाँ पे 100%, यानी इसको जो TH था, यानी ये हमारे पास जो TR टैग था, TR को मैंने कर दिया 100%। इससे हमारा जो रो का सेक्शन है, रो के मतलब जो हमारी रो है वो 100% मूव करना शुरू हो गई। तो ये हमारा टेबल सेक्शन था। तो गाइस उम्मीद करेंगे कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो फटाफट वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।